हाय गाइस, माय नेम इज संजू सिन्हा, वेलकम टू माय चैनल महत रसोई। और आज मैं आई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने लिए हैं 5 से 6 वॉलनट अखरोट, जो उनको हमने शेल से निकाल लिया है, उसको पिल कर लिया है और अच्छे से उसको क्लीन कर लिया है। और अब इसको हम पानी में सोक करेंगे कम से कम आधे घंटे। आप उसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना ये सॉफ्ट हो जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, उतना ही स्मूथी और बहुत ही अच्छी वॉलनट की चटनी बनेगी। और इस वॉलनट की चटनी को कश्मीर में और जम्मू में बहुत पसंद किया जाता है। इसको बहुत लोग खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्मॉल है, मतलब एक प्याज, एक हमें बड़ा प्याज लेना है, उसको चॉप कर लेना है, क्योंकि जितना बारीक रहेगा उतना अच्छे से पीसेगा, बारीक पीसेगा, मोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। और हमें इसमें 2 चिली रहेंगे, ग्रीन चिली, उसको भी हमने कट कर लिया है। और इसमें हम लेंगे फ्रेश दही, जो मैंने घर में ही जमाया है योगर्ट। फुल क्रीम दूध लिया था मैंने, उसका मैंने योगर्ट जमाया है। वैसे हमारे यहाँ वैसे भी भैंस का दूध आता है, तो वैसे मैंने वही नेचुरल मिल्क यूज़ किया है, उसकी हमने दही बनाई है। और इसी दही को हम यूज़ करेंगे। एटलीस्ट 50 ग्राम होने चाहिए, 50 ग्राम काफ़ी होती है। और वॉलनट ये सोक किया हुआ है, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब इसको हम स्ट्रेन आउट करेंगे और उसके बाद निकाल के इसको हम मिक्सिंग जार में ऐड करेंगे और अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। और इसको फिर हम इसको इसमें अच्छे से इसका स्मूदी ब्लेंड करेंगे, एकदम पेस्ट बनाएंगे स्मूथ की तरह, बिल्कुल एकदम क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा। ये जो अनियन है ये भी हम उसमें ऐड कर देंगे, ये ग्रीन चिली है ये भी उसमें ऐड करेंगे। और इसमें एक अच्छा सा यूनिक सा टेस्ट लाने के लिए, जिससे कि ये थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा, मतलब एक अलग सा टेस्ट आता है उसमें, तो उसके लिए उसको अच्छा बनाने के लिए इसमें हम 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। और इसमें हम इसको, वैसे तो मैं इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ, रॉक सॉल्ट, हम रॉक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं। और वैसे भी आप इसमें नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी, जो भी आपको पसंद हो वो। और फिर इसमें हम बाकी का जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका स्मूथी टेक्सचर आएगा, बिल्कुल मायो की तरह, मायोनीस की तरह बनेगी ये चटनी, इसमें हम ऐड करने वाले हैं दही। और दही वही फ्रेश दही, ज़्यादा ना ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं, नॉर्मल होनी चाहिए, बट मतलब टेस्ट दही का दही जैसा होना चाहिए। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। 50 ग्राम हमने इसमें दही लिया है। अगर हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई तो थोड़ी सी दही हम और ऐड करेंगे, बट पहले हम 50 ग्राम दही ऐड करके इसको हम इसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे अच्छे से, और उसके बाद देखेंगे चटनी का टेक्सचर कैसा आया। और फिर इसको हम पीसते हैं। अब इसको हमने यूज़ कर रहे हैं, हम इसको मिक्सी जार को मिक्सी में ऐड कर लिया। अब हम इसको स्विच ऑन करेंगे और इसको हम अच्छे से पीसेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट में इसमें ये पिस जाती है, अच्छे पिस जाती है। 1-2 बटन ऑन करके आप इसको पीस सकते हैं। और उसके बाद इसका बाद हम देखेंगे इसका टेक्सचर कैसा है, कैसा बना है चटनी। यू कैन सी, देखिए कितनी अच्छी, एकदम स्मूथ पेस्ट बना है इसका, बिल्कुल मायो की तरह दिख रही है ये, जैसे मायोनीज होती है। तो ये है अखरोट की चटनी, जो स्पेशली सिर्फ आपने कहीं नहीं सुनी होगी, सिर्फ कश्मीर में ये खाई जाती है, कश्मीर और जम्मू में, जितने भी आई थिंक उत्तराखंड में हर जगह ये बनती है। तो ये सीजनल है, फ्रूट होता है वहाँ पे, जो जब ज़्यादा होता है अखरोट तो उस वक्त बनाई जाती है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम इसको सर्व करते हैं पकौड़ों के साथ, कबाब के साथ, भजिया के साथ, आप किसी के भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको स्टोर करके भी आप 1-1.5 महीने रख सकते हैं, मतलब ये चटनी ऐसी होती है, एक मायोस की तरह ही है। तो ये गाइस बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है, आप अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए, और फिर बताइए कि कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच गाइज़।